छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने महतारी हुंकार रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनिता श्रीनिवास बिलासपुर आएंगी। दोनों महिलाओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट कर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल के लिए रिचार्ज करेंगी। 11 नवंबर को होने वाले इस शक्ति प्रदर्शन में बीजेपी ने 1,00,000 महिलाओं की भीड़ जुटाने का दावा किया है। इधर भाजपा की इस रैली और प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासन ने अनुमति का रोड़ा खड़ा कर दिया है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने कहा है कि भाजपा को रैली और प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। भाजपा ने साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस सरकार की चुनावी घोषणा पत्र, बेरोजगारी भत्ता का वादा याद दिलाने के लिए पहले रायपुर में युवा मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। ठीक उसी तरह अब भाजपा ने महिला मोर्चा के बैनर तले सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। इसे महतारी हुंकार रैली का नाम दिया गया है। बीते दिनों भाजपा ने छत्तीसगढ़ संगठन प्रभारी अजय जामवाल ने बिलासपुर पहुंचकर इस प्रदर्शन और रैली की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं अब प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत भाजपा नेता मैदानी स्तर पर जाकर रैली में महिलाओं को लाने के लिए संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को टारगेट दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की भी इस रैली और प्रदर्शन पर नजर है। प्रदेश अध्यक्ष साव सहित प्रदेश के भाजपा संगठन के सभी पदाधिकारी इसके लिए तैयारी में जुटे हैं। प्रदेश संगठन इस आयोजन को भव्य रूप देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बिलासपुर बुला रही है। रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ ही भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनिता श्रीनिवास आएंगी। ऐसे में रैली और प्रदर्शन में 1,00,000 से अधिक महिलाओं की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है।